चाचा का भतीजा कितना ही कंप्यूटर कंप्यूटर क्यों ना कर ले, लेकिन पंचायत घर में डंका हमारा ही गूंजेगा। लाला और उसके आदमी खेत में आए थे, दोनों बैलों को अपने साथ लेके चले गए। अबे कौन है बे? कौन है? अबे तू? अबे लाटेन, साले तेरे बाप के पैसे से खरीदी थी। तू लाला घर आके गुंडागर्दी करेगा? साले नंदू के पिल्ले। रुक जाओ लाला। तू तो बीजे बात पर टुकनी। लाला, अरे बात की जान तो तुमने ले ली थी, अब बच्चे पर भी जोर दिखा रहे हो? ये पित्ते भर का छोरा लाला को आंख दिखाएगा? लाला बच्चे पर जोर दिखाता है? अरे जो फैसला होगा पंचायत में होगा, समझा? आज यहाँ जमा पंचायत बात कर रही है नंदू भैया के आत्महत्या की कोशिश और गोली और लाला पुरनमल के बीच हुए टकराव पर। सारे पक्ष अपनी अपनी बात कह चुके हैं, अब वक्त है सरपंच जी के फैसले का। तो आइए देखते हैं सरपंच जी का फैसला। पहलवान जी, आप क्या कहते हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाइयों। किशनगढ़ एक गांव नहीं है, हमारा अपना घर है। और अपना घर वो होता है जहां दूसरे की तकलीफ को समझा जाता है, एक दूसरे की खुशियां आपस में बांटी जाती हैं, उसे घर कहते हैं। पूरनमल जी, आपने बच्चे पर हाथ उठा करके ठीक नहीं किया। उम्र बीत रही है तुम्हारी, बच्चे के साथ बच्चा बनना शोभा नहीं देता था। अब बच्चे से माफी मांगने को कहकर तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं, पर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। और जहां तक नंदूलाल की बात है, उसके कर्ज की, उसके ब्याज की बात है, तो लाला जब आंख बंद होगी तो छाती पर पैसा रख करके तो नहीं ले जाओगे? कैसी बातें कर रहे हो सरपंच जी, दूध घी कोई साथ बांध के ले जाता है क्या? पर जीते जी वो खाने को भी चाहिए और खिलाने को भी चाहिए। लाला मैं मानता हूं कि वो तुम्हारा व्यापार है, धंधा है, पर कुछ तो मोहलत मिल सकती है। ये सच है कि नंदूलाल की फसल 2 साल में बर्बाद हो गई, तो लाला हैवानियत नहीं इंसानियत दिखा। पंचायत का फैसला है कि नंदूलाल लाला का एक एक पैसा लौटाएगा, मगर किस्तों में। और किस्तों का फैसला पंचों के सामने बैठकर नंदूलाल और लाला खुद करेंगे। कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, इस बात का फैसला मैं अभी कर देता हूं। नंदूलाल का सारा कर्जा मैं लाला को आज शाम को ही चुका देता, ठीक है? क्या हुआ, आप लोग ऐसे मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ कर क्या देखने लगे? अरे भाई नंदूलाल दिवालिया हो गया है, वो बेचारा किस्त के पैसे कहां से देगा? तो जो पैसा तुम दोगे खैरात में दोगे विक्रम बाबू? आम का बागीचा है मेरा, उसमें आम लगता है, रुपया नहीं लगता पहलवान। और हाँ, और जो पैसा मैं नंदूलाल को दूंगा वो मुझे अगली फसल में लौटा देगा, क्योंकि इस साल की तो इसकी फसल गई ना बेचारे की बट्टे खाते में। हाँ, ब्याज लूंगा 30%, इसमें इसका भी भला है और लाला का भी। क्यों रे नंदू, क्या कहता है? किसी ने ठीक कहा सरपंच, तकदीर की काली रात जब डसती है ना तो अपनों के हाथ भी गर्दन नापने को उठते हैं। क्या फर्क पड़ता सरपंच जी, मैं पैसे लाला जी के दूं या फिर पंच जी के, गर्दन तो मेरी ही नापी जाएगी ना। और ये सिर्फ मेरे गर्दन की बात नहीं है, यहां पे और भी किसान भाई बैठे हुए हैं, इनकी भी गर्दनें हैं। किसी न किसी दिन, किसी न किसी रोज इनके भी गर्दन पे कोई वार करेगा आके, फिर इनमें से ही कोई
नहर में डूबेगा, कोई पेड़ से लटकेगा तो कोई खुद को आग लगाएगा। तो तू क्या चाहता है? तिजोरी का मुंह खोलकर नोटों से तेरा और तेरे भाइयों के आंसू पोंछते रहे मैं और लाला? कसम काले कोट की, इसका और कोई समाधान नहीं है नंदूलाल। जो मिलता है वो ले ले और दे दे। समाधान है सरपंच जी, जिससे इस साल की फसल भी बच सकती है। कुबेर का खजाना निकला है क्या तेरे सफेद डब्बे में से? मैंने नंदू भैया के खेतों का मुआयना किया था, उसके फसल में लगे कीड़े की फोटो और जानकारी मैंने कृषि विशेषज्ञ को भेजी है और उनका जवाब भी आ गया है। मैं ये आप खुद सुन लीजिए। इस खेत में जो कीड़ा लगा है वो है एफिड्स, और उसे मारने के लिए जो दवा प्रयोग की जानी चाहिए वो है इमिडाक्लोप्रिड। यही दवा तो इस्तेमाल की थी मैंने। इस दवा की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। ओ, तो ये भूल हो गई थी मुझसे। बहुत बहुत मेहरबानी मिथिलेश, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बढ़िया, बित्ते भर का मोबाइल और काम देखो इसके। कितनी देर लगी रे सीखे तुझे कहानी लिखने में? ये कहानी नहीं है, नई मोबाइल सेवा है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। शायद आप नहीं जानते, इसमें आप अपनी खेती से संबंधित कोई भी समस्या विशेषज्ञों से कभी भी पूछ सकते हैं और आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। अरे मिथिलेश भैया कैसे हो? कानपुर वाली भाभी, नंदू भैया कैसे हैं आप? कैसे हो मिथिलेश? मैं अच्छा हूँ। तभी ठीक है बाकी? सब कुछ बढ़िया है। तुम्हारे भैया ने कहा था तो खीर बनाई थी, थोड़ी सी तुम्हारे लिए और इस कंप्यूटर के लिए भी लाई हूँ। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। तुम नहीं होते मिथिलेश तो सब सुलझता नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत थी भाई। सुलझा तो अभी भी नहीं, अब फसल के लिए दवा लेनी होगी तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ, लेकिन मुश्किल सिर्फ तभी तक है जब तक पूरी जानकारी ना हो कि कितना कर्जा लेना है, किससे लेना है, किस चीज के लिए लेना है, उसके ऊपर ब्याज कितना होना चाहिए, उसकी वापसी की किस्तें कितनी होनी चाहिए, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। भाई बात तो तुम्हारी सही है, पर हम लोगों को ये सब समझाएगा कौन? सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए ये सारी जानकारी इस पर डाली है। लेकिन मिथिलेश मैं करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए सब कुछ मैं कर चुका हूँ। ये देखिए, ये आपका रामबाण। आप सरकारी बैंक से कर्जा लीजिए, किसानों के लिए बनी खास कर्ज सेवा की सारी जानकारी इस पर दी गई, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सारे सरकारी बैंक है जी। अरे तो बहुत बढ़िया भैया, हम तो फार्म भी यहीं से भर देंगे और जमीन के सारे कागजात लेके सीधा बैंक चले जाएंगे। जुग जुग जियो। मैं या कंप्यूटर? तुम। अबे तुझे कितनी बार प्यार से समझाया था मगर तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। देखो भाई, मैं तुम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ेगा तो तेरा बाप भी। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर, हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में
लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। कसम काले कोट की विक्रम भैया हवाई उल्टी बह रही है। अब सुना है कि उस नंदू को सरकारी बैंक से कर्जा मिल गया। ये कानपुर वाली ने हलवा बांट रही है सारे गांव भर में। उसके हलवे में बिच्छू का डंक तो तब लगेगा वकील बाबू जब फसल काट कर उसका नंदू लाल बाजार जाएगा और वहां जो उसको दाम मिलेंगे ना उससे बेचारा क्या तो कर्ज उतारेगा और क्या खाएगा। लाल बाजार क्यों विक्रम बाबू? नंदू भूरा बाजार जाएगा, भूरा हाट बाजार। यहां से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां गेहूं का दाम 1340 रुपए क्विंटल, पिछले साल से 250 रुपए ज्यादा। किसान भाई बस एक गाड़ी से अपनी फसल वहां पहुंचा दें और सही कीमत और सही तोल पर निकाल दें बस। तो कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा है? नहीं, सच कह रहा हूं। ये तो मंडी का दाम है। ये देखिए, आपने पढ़ लिया? अब बस पूरे गांव को पढ़ा के आता हूं। आप सबने सुन लिया? बिस्कुट। काले कोट की दुकान बंद करवाएगा ये सीखी अपनी। कुछ नहीं होगा वकील बाबू। चल बे, नहीं पीनी तेरी चाय। अरे क्या बात है नंदू भैया, हाँ क्या बात है? ये छाता, ये पन्नी, हाँ भाई क्या बात है? बरसात होने वाली है। बिल्कुल पगला आ गए हो क्या? कह रहे हो बारिश हो सकती है? देखो तो आसमान बिल्कुल साफ है और तुम कह रहे हो बरसात होने वाली है। ये देखो, हमारे फोन पे मौसम की जानकारी आई है। हाँ, 30 रुपए देके ये सुविधा लिया है। हाँ हाँ, अरे हाँ नंदू भैया, ये तो बिल्कुल बादल घिरा है। हाँ, अरे आज बारिश होने वाली है, मुझे सारे अपने काम करने हैं, मैं भागता हूँ भैया। भागो भैया भागो, भागो। कृपा करो इंद्र भगवान। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई दो कान पे पड़ेगे, भाई बन गए। अबे तुझे कितनी बार प्यार से समझाया था मगर तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। देखो भाई, मैं तुम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ेगा तो तेरा बाप भी। लाठी चलाने का शौक चढ़ गया छोकरे तो अखाड़े पे आची हो। जा अपनी अम्मा को बोल के घी पिलाए तुझे। चल भाग यहां से, भाग। मैं भाग यहां से। अच्छा, ये लोग मुझे मेरी जमीन छोड़ने को कह रहे थे। पहलवान, ये जमीन माधव की नहीं है, हमारे साहब की है। ओए, कल शाम तक जमीन खाली कर दियो नहीं तो। अबे हो नारियल की शक्ल वाले, चल दबा हो जाए यहां से। जमीन अगर तेरे मालिक की है तो जब कागज लेकर आ, फिर देखेंगे। चल भाग यहां से। ओए भाग, आ जा। मैं क्या करूं पहलवान चाचा? पटवारी के पास जा और कागज निकला के आ। मैं गया था वहां पर वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अच्छा, हाँ तो तू चल मेरे साथ। बुरा मत मानना माधो भैया, पर ये कागज तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ये जमीन तो तुम्हारी नहीं। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए,
जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए, दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। नमस्कार पटवारी जी। अरे पहलवान चाचा, आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई भला हो तेरा माधो जो पहलवान चाचा के दर्शन करवा दिए भाई आज सवेरे सवेरे। अरे भाई भीखू जी साहब। अरे भाई पहलवान जी के लिए छाछ वगैरह लेके आओ भाई। छाछ नहीं चाहिए पटवारी, बस जरा माधव की जमीन के कागज निकाल देखो तो फजीता क्या है। अरे फजीता कैसा होगा पहलवान चाचा, यहाँ के कागज तो चित्रगुप्त की भई है, किसी और बात में कमी हो सकती है, यहाँ के कागजों में नहीं। वो सब पता है मुझे पटवारी जी, पर देखो तो सही दो चार लोग रोज माधव को धमकाने क्यों चले आते हैं, ये कहकर कि ये जमीन इसकी नहीं उनके किसी मालिक की है। अच्छा जी, ये मुझे मालूम नहीं था कि माधव इसलिए परेशान है, इसलिए यहाँ हर दूसरे दिन चक्कर काटता है, नहीं तो मैं खुद सारे कागज पत्र देखकर इसकी परेशानी दूर कर देता। मैंने कहा तो था आपसे कि वो थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ माधव भैया, नहीं सुनाई दिया होगा, अभी देख देता हूँ कागज। माधो दास, बाप का नाम बिरंची दास, खसरा नंबर 22-33-15। अरे भाई वाह, तुझे तो सब मुंह जबानी याद है। याद कैसे नहीं रहेगा पटवारी जी, बाप दादाओं की जमीन जो है और फिर बरसों से हल चला रहा हूं इस पे। बुरा मत मानना माधो भैया, पर ये कागज तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ये जमीन तो तुम्हारी नहीं। क्या क्या कह रहे हो पटवारी जी, ठीक से देखो ना, देखो ठीक से। देख लिया भैया, पहलवान चाचा आप खुद देख लो, ये जमीन पहले किसी शिवदास की थी और अब उसने मानेसर सिंघानिया को बेच दिए। हाँ किशनगढ़ की मिट्टी और यहाँ जिस तरह का मौसम रहता है उसे देखकर गिरिधारी भैया आपको गेहूं के साथ साथ प्याज की फसल लगानी चाहिए, और अगर आप गेहूं और प्याज के साथ लहसुन की फसल भी लगाते हैं तो कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। क्या ये डिब्बा यही सब कहता भैया? जी गिरिधारी भैया, ये डिब्बा ये कहता है, मैंने कृषि विभाग की वेबसाइट चेक की थी, ये लिखिए आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा मिथिलेश भैया, अब मैं चलता हूँ। भाई अच्छा तो अब दिखाई भी नहीं दी। काम पता नहीं क्या 24 घंटे इस कंप्यूटर में घुसे रहते हो, पता नहीं क्या बोरिंग काम करते रहते हो इस कंप्यूटर पर। ये बोरिंग नहीं है। अच्छा तो बताना जरा क्या मजेदार काम कर सकता है ये कंप्यूटर, सोच क्या रहे हो, बोलो बोलो, क्या ये मेरे रेडियो की तरह अच्छे अच्छे गाने सुना सकता है? लो फिर घुस गए अपने कंप्यूटर पर, तुमसे तो बात करना ही ना दीवार पर सिर मारने जैसा है। जा रही हूं मैं, जा रही हूं मैं, घुसे रहो अपने इस कंप्यूटर के डिब्बे में।
सुन जाना तू एक बार मेरी खामोशियों को सुन मेरी खामोशियों को सुन सुन रहा हूँ तेरी दस्तक कुछ देर तो ठहर सुन रहा हूँ तेरी दस्तक कुछ देर तो ठहर एकदम यूं ना पलट मेरी बेताबियों को सुन मेरी बेताबियों को सुन कसम काले कोट की वाह मजा आ गया एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना गाना अच्छा था पर तुम्हारा नैन मटक का जो है गाने से भी बढ़िया था कहो तो गुलाब भिजवा दूं सिंकिया ऋतिक रोशन पर तुम जो कर रही हो ना टुकनी उससे नाम तो रोशन हो ही जाएगा सरपंच त्रिपुरारी सिंह का शिवा शिवा अरे आओ आओ माधव भैया आज हमारी याद कैसे आ गई आपको क्यों किया रहा तूने ऐसा किसकी बात कर रहे हो माधव भैया तू अच्छी तरह जानता है मैं अपनी जमीन की बात कर रहा हूँ तुम्हारी नहीं मेरी जमीन जमीन मेरी थी सो मैंने बेच दी तुम खाली कर दो और मौज करो वो जमीन मेरी है तूने धोखे से नकली कागज बनवाया शिवा तुम भाई नहीं कैसा ही है इंसाफ का तराजू देखने आए हो माधव भैया ओ बिरादर ऊंची आवाज में बोलोगे तो गला फट जाएगा चुपचाप घर जाओ और भाभी की गोद में बैठकर लोरी सुनो लोरी जमीन मेरे बाप की थी सो मैंने बेच दी और दाम भी एकदम फर्स्ट क्लास मिला है ले जाओ रे इसको मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जान से मार दूंगा तुझे शिवा वो जमीन मेरी है मैं तुझे जान से मार दूंगा शिवा मेरी जमीन है वो ये क्या कर रहे हो दरोगा साहब क्या किया इन्होंने बहुत बड़ा गुंडा बनता है तेरा मर्द शिवा को गायब करवाया है इसने उसकी बीवी ने रबड़ लिखवाई है थाने में चार दिनों से गायब है शिवा हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़ लो साथ